पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते गए। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान की खास पेशकश कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। और इन तीनों ही सेगमेंट्स के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि नई दिल्ली में आयोजित किसान मेले में क्या कुछ खास रहा, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से, और फिर सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि दिल्ली स्थित कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में किसान मेले का हाल ही में आयोजन किया गया। इस मेले के दौरान क्या कुछ खास था, आइए दिखाते हैं आपको। किसान मेले का आयोजन दिल्ली स्थित कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में किया गया। इस मेले में दिल्ली राज्य के किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के सचिव राजेश वर्मा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली के निदेशक डॉक्टर ए के सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर आयुक्त डॉक्टर वाई आर मीणा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर डी के यादव, कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के हेड डॉक्टर पी के गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर राजेश वर्मा ने कहा, हमारा सरकार के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई, और मार्च 2 से भी आगे एक किसान मेला जो आयोजित हो रहा है, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग उस किसान मेला में भी अपना भाग लेंगे और बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ भी जानने को मिली। जैसे किसान भाई ने बताया था कि यहाँ पे सारे संस्थान हैं, आपके एक बहुत ही अच्छा सौभाग्य है आप यहाँ के किसानों का कि पूसा से लेके मंत्रालय और बहुत सारे इंस्टीट्यूट, सारे संस्थान यहाँ पे हैं, तो आपको इन सब संस्थानों के बारे में से सारी जानकारी मिलती रहती है समय समय पर। और मैं अनुरोध करूँगा कि जितनी ज़्यादा नई तकनीक के बारे में आप जानेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी तरक्की होगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सरकार भी मानती है कि फसल का प्रोडक्शन को होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन किसान की आमदनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसान की आमदनी बढ़ेगी तो वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो उसमें किस तरह से किसान की आमदनी बढ़े, चाहे वो सीड हो, जो बीज की बात हुई, तो बीज से बाजार तक, ये एक हमारा पूरा उद्देश्य होना चाहिए कि बीज से बाजार तक हम किस तरह से हर चीज़ में जो नए प्रकार के जो बीज हैं उनको किस तरह से अपनाया जाए, नए तरह की जो पद्धति है, चाहे वो सिंचाई के मामले में हो, चाहे वो उर्वरक के मामले में हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, चाहे जो एक मीना साहब ने अच्छी बात बताई कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो किसान की आमदनी बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है।
और जो मेरे किसान भाइयों ने भी बताया बीच में कि सिर्फ हमें खेती नहीं, कि उन्होंने उदाहरण भी दिया महाभारत से, श्री कृष्ण और बलराम, वो तो खेती के साथ साथ हमें पशुपालन, इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसे कहते हैं, और मछली पालन भी हो सकती है। उसके साथ साथ जो यहाँ हमारे अतिथि ने बताया था हॉर्टिकल्चर, बागवानी का एक जो है उससे भी आमदनी बढ़ने में बहुत अच्छी सहायक, बहुत अच्छी जो मिलती है। जो आपके पास जो एडवांटेज है वो ज़्यादातर किसानों के पास वो नहीं है, जो आपके पास है वो मार्केट आपके पास है। सबसे बड़ी देशी मार्केट जो है जो दिल्ली राजधानी और दिल्ली राजधानी क्षेत्र के जो पूरा क्षेत्र है, जिसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आपके पास बगल में ही हरियाणा है, जिसमें गुड़गांव है, उधर यूपी की बात भी आपने कही, नोएडा है, इवन राजस्थान भी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत सारा पूरा बहुत बड़ा मार्केट है। उस मार्केट को मार्केट के हिसाब से, और जैसा किसान बंधु ने बताया था मशरूम के लिए, कि अगर आपका आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपका उत्पादन अच्छा होगा, तो मार्केट अपने आप आपके पास आएगी। तो मैं बीज से बाजार तक की जो बात कर रहा हूँ, तो वो उसके उसका मेन मूल उद्देश्य यही है कि इस तरह से हम किसान की आमदनी बढ़े। स्टार्टअप की भी बात हुई थी, स्टार्टअप एक दो देखने को भी मिले आज प्रदर्शनी में, वो भी एक नई चीज़ है जो थोड़ा मुझे यहाँ पे हमारे पुराने बुजुर्ग भी हैं और बहने भी हैं, लेकिन थोड़ा सा अपेक्षाकृत नौजवानों की संख्या थोड़ी कम देखने को मिल रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद नौजवान कृषि की प्रति के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं, जबकि भारत की बहुत बड़ी आबादी 50% अधिक आबादी जो है कृषि पर आता है, और उसमें हमारे पास बहुत अच्छे उपजाऊ ज़मीन है, बहुत अच्छे साधन कृषि से, जो फूड प्रोसेसिंग से, और बहुत जरूरी से स्टार्टअप आजकल नए नए, जैसा बताया था डॉक्टर पीके गुप्ता ने नासिक किया था, वहाँ पे जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, सियादरी करके है, इस तरह से आपने नाम सुने होंगे, तो वो जिस तरीके से किसानों को जोर संगठित करके, और बहुत सारे यूनिट्स मैंने देखे जो बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो जिनका निर्यात हो रहा है उन प्रोडक्ट्स का, और उस एक्सपोर्ट के जरिए जो किसान खुद समूह बना के और एक्सपोर्ट तक कर रहे हैं, सारी आमदनी किसान को आती है। नहीं तो जो होता क्या है कि आप प्रोडक्शन करते हैं, आपका सारा ध्यान केंद्रित रह जाता है कि खेती की प्रोडक्शन कि किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए, लेकिन मार्केट भी उतना इम्पोर्टेंट है। आपने प्रोड्यूस की, आप कितने में बेच रहे हैं, जो बिचौलिए बीच में ले जाते हैं वो कैसे कम किए जाएं, आप ही क्यों नहीं उसकी मार्केटिंग करें, आप ही क्यों नहीं कंज्यूमर तक पहुँच। तो किसान से कंज्यूमर, फार्म टू कंज्यूमर, वो भी एक बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी KVK और जो हमारी संस्थाएं हैं उसमें काम करेंगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो बैंकों से भी उसका जो धनराशि ली जाए, किसान जो बहुत सब्सिडी स्कीम है उसका भी उपयोग किया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर AK सिंह ने कहा, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस वर्ष पूसा कृषि विज्ञान मेला मार्च 2 से लेकर 4 तारीख तक लगाया जाएगा। मेले का उद्घाटन माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी 2 तारीख को 11 बजे करेंगे। इस साल मेले का विषय श्री अन्नो द्वारा पोषण, खाद्यान्न एवं पर्यावरण सुरक्षा रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मिलेट से संबंधित सारी जानकारी आपको इस मेले में दी जाएगी। मेले का सजीव प्रसारण YouTube के माध्यम से किया जाएगा। इसको किसान भाई अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं, और देश भर में जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं 730 से ज़्यादा, उन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वहां पर मेले के प्रसारण का आयोजन किया जाए, और जो किसान मेले में भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं वो अपने अपने कृषि विज्ञान केंद्र जो पास के हैं वहाँ पर जाएँ, और वहाँ पर 3 दिन जो मेला लगेगा उसका सीधा प्रसारण देखें। उसमें तकनीकी सत्र होंगे, तमाम तरह की जानकारियां दी जाएंगी,
और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का संबोधन होगा जिसे आप सुन पाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं एक बार पुनः कि निश्चित रूप से हमसे जुड़ें, हो सके तो फिजिकल रूप से आइए जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पा सकते हैं, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 3 वर्षों में मेला थोड़ा सा कम स्तर पर लगाया गया था, लेकिन इस बार कोरोना नहीं है और इस बार हम बड़े पैमाने पर लगा रहे हैं। हमारी जो बासमती की 3 नई प्रजातियां इस वर्ष विकसित की गई थीं, जिसमें पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886, इसका बीज पर्याप्त मात्रा में आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मूंग सब्जी की तमाम फसलों का बीज भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आपसे अनुरोध है हमसे जुड़िए और मेले का फायदा उठाइए। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर डी के यादव ने कहा, फसल अवशेषों का प्रबंधन, तो उसमें विशेष रूप से हमें ध्यान देना है कि हम जो कम अवधि में पकने वाली किस्मों का उपयोग करें। जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि जैसे दिल्ली क्षेत्र में हमारी ज़्यादातर बासमती धान की किस्में हैं, और मैं आपकी सूचनार्थ बताता हूँ कि जितनी बासमती धान की किस्में, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि हमारे निदेशक महोदय डॉक्टर ए के सिंह के द्वारा ही प्रजनित किस्में हैं, और इनका अगर योगदान देश की पूरी अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो जितना हमारा बासमती का एक्सपोर्ट पिछले साल का डेटा 30,000 करोड़ का है, तो उसमें से 27,500 करोड़ का जो बासमती एक्सपोर्ट है वो डॉक्टर साहब के द्वारा जो प्रजनित किस्में हैं, पूसा 1121 की बात करो, 1509 की बात करो, अभी जो 1509 का जो इम्प्रूव वर्जन आया 1847 की जैसे बात की, तो ये डॉक्टर साहब के द्वारा विकसित है, तो ये एक हमारा सौभाग्य है। और ये कम अवधि में पकती हैं जैसे बासमती में, और उसी तरह जैसे थोड़ा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करें, जैसे आप रबी खरीफ में हम मूंग की बात कर सकते हैं, मूंग की कम अवधि की पकने वाली किस्में हमारे पूसा संस्थान से हैं, तो इस तरह से कि भाई वो नहीं कि एक ही जो हम परंपरागत खेती करते आए हैं। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के हेड डॉक्टर पी के गुप्ता ने कहा, इस किसान मेले का मुख्य आकर्षण था सोलर फार्म डेमोस्ट्रेशन यूनिट, जिसमें 110 किलोवाट का बिजली उत्पादन करके ग्रिड को दिया जा रहा है BSES को, और वह ग्रुप नेटवर्किंग के माध्यम से डिफरेंट एजेंसियों को जा रहा है। और ये कृषि विज्ञान केंद्र में एनिमल हस्बेंड्री की पोल्ट्री गोट्री मशरूम यूनिट, नर्सरी यूनिट, सोलर यूनिट, ऑर्चर्ड यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी काफ़ी हैं, और इस समय हम लोगों ने काफ़ी प्रोडक्ट भी बनाना शुरू कर दिया है। आटा है, दलिया है, अचार है, बर्मी कंपोस्ट है, डिफरेंट तरह के पौध हैं, ये सब हम लोग बना के किसानों को सस्ते दर पर दे रहे हैं और उनका काफ़ी उत्थान हो रहा है। और हमारे पास इतना है कि हम उनको सप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसानों का, दिल्ली सरकार का, भारत सरकार का काफ़ी कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग है, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कृषि विज्ञान केंद्र देश के अन्य किसानों कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत ऊपर आएगा, ये हम आप सबसे आशा रखते हैं। और हम अपने टीम को धन्यवाद देते हैं कि दिन रात कार्य करके इस किसान मेले को सफल बनाया। इस अवसर पर डॉक्टर YR मीणा ने कहा, हाईटेक हॉर्टिकल्चर में आपको जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, लो टनल टेक्नोलॉजी और कई तरह के ऐसे तकनीकी ज्ञान हैं जो पूसा संस्थान में प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ इंडो इजराइल प्रोजेक्ट भी है और दूसरे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो कम क्षेत्रफल से कम संसाधनों से ज़्यादा पैदावार आप ले सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ले सकते हैं, और वो हाई वैल्यू क्रॉप इसीलिए कहते हैं कि कहीं खुले में मान लो आप नहीं कर पाते, तो ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं, संरक्षित खेती। ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है, इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश के निवासी प्रीतम सिंह से। ये वहां के सफल किसान हैं। बता दें आपको, इन्होंने समतलीकरण करके खेती किसानी की है और इससे अच्छी सफलता भी हासिल की है। किस तरह से उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया, आइए उन्हीं से जानें। उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म 1961 में हुआ था। 2005-06 में आकाशवाणी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा नई दिल्ली से जुड़कर इन्हें कृषि से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उससे प्रभावित होकर इन्होंने खेती करना शुरू किया और अब वर्तमान में इन्होंने कृषि में अपार सफलता हासिल की है। इनका मानना है कि खेती कोई फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन अगर आप खेती को व्यवसाय के रूप में करेंगे और कच्चा माल बेचने की बजाय तैयार उत्पाद बेचेंगे तो ये बहुत फायदे का सौदा है। खेती को व्यवसायिक नजरिया देने वाले और बीजों को अपने व्यापार का केंद्र बनाने वाले प्रीतम सिंह ने कामयाबी के अनेक मंजिलों को छुआ है। शुरुआत से ही प्रीतम सिंह को खेत अपनी ओर आकर्षित करते थे, लेकिन किसानों की मजबूर हालात को देखकर इन्हें लगता था कि खेती इंसान को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए कोई अच्छा पेशा नहीं है। तभी इन्होंने सोच लिया था कि खेती को बेहतर व्यवसाय में उन्हें बदलना है। वो अक्सर किसानों को बीज बोते और खेतों में कड़ी मेहनत से काम करते हुए देखते थे। यही उन्हें एहसास हुआ कि किसानों के लिए अच्छा बीज हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। प्रीतम सिंह का अपने गांव से बुलंदशहर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच पूसा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और खेती में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजों के बारे में जाना। प्रीतम सिंह ने अपने खेतों में समतलीकरण प्रक्रिया को अपनाया। इससे खेती में 30-35% तक पानी की बचत होने लगी। नई तकनीकों के जानकार प्रीतम सिंह ने अपने गांव और आसपास के किसानों को गेहूं बोने की नई पद्धति से अपने क्षेत्र के किसानों को परिचित कराया, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ी। और प्रीतम सिंह का मानना है कि वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो किसान जिस प्रजाति का बीज लें वो गुणवत्ता वाला होना चाहिए। साथ ही वे कहते हैं बीजों को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। प्रीतम सिंह ने अच्छी पैदावार पाने के लिए अपने खेतों में स्वयं बीज बोए। जब वो अपने द्वारा बीज से प्राप्त अच्छी पैदावार को देखते हैं तो उन्हें अपनी सफलता पर खुशी होती है। प्रीतम सिंह ने लाभ कमाने के उद्देश्य से परंपरागत खेती के बजाय मिश्रित खेती को अपनाया, जिसमें वे गन्ने के साथ साथ अन्य फसलों की खेती पर ज्यादा से ज्यादा उपज हासिल कर रहे हैं। इन्होंने अपने गांव के किसान जो वर्षों से परंपरागत कृषि करते आए थे उन्हें भी मिश्रित खेती के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही किसानों को अधिक लाभ हासिल करने के लिए व्यावसायिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में प्रीतम सिंह को खेती से अच्छी आमदनी हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है। इनकी कामयाबी को देखकर गांव के अन्य किसान भी इनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर प्रीतम सिंह ने अपने अलग पहचान बना ली है और इनके योगदान को देखते हुए कृषि विभाग से इन्हें कई पुरस्कार से नवाजा गया है। किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ जानकारी दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो, बात
मेहनत बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज फार्मिंग इंडिया में बात प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। एक बहुत ही अच्छी योजना है जिससे हमारी खेती की लागत में कमी आती है। जी हाँ, सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम लागत में कमी ला सकते हैं और साथ ही साथ बिजली को पैदा करके उसकी बिकवाली कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। तो कैसे जुड़ सकते हैं आप इस योजना से, आइए जाने। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के तीन घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक, 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल एक एकड़ पर 60,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना है। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके, सीधा पहुंच जाएंगे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं, ईमेल कीजिए हमें, ईमेल आईडी है krishidarshandd@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है हमारा कृषि दर्शन कमरा नंबर 58 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।